guys, welcome back to my channel Blushing Beauty. How are you doing today? So, कैसे हैं आप सब? आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है because आप टाइटल से देख ही पा रहे होंगे. आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्राइड एसेंशियल कलेक्शन 2020 या ब्राइड एसेंशियल शॉपिंग लिस्ट. जी हाँ, इसका मतलब है जो ब्राइड हैं, मतलब टू बी ब्राइड्स हैं, जिनकी शादी होने वाली है, वो अपने साथ कौन कौन सा सामान कैरी करें ससुराल जाते समय. आपको मैं सारी लिस्ट बताऊंगी, तो आप लेके आ जाइए फटाक से कॉपी पेन, जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए. अगर आपकी शादी होने वाली है तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मैं आपको शॉपिंग लिस्ट बताऊंगी, आप लिखते जाइए. क्योंकि क्या होता है गाइस, समटाइम्स जब भी हम अपने शादी की तैयारियां करते हैं तो लिस्ट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं जो कि हमें ध्यान नहीं रहती है. सो मैं आपको पूरी लिस्ट बताने वाली हूँ. जी हाँ, ये देखिए मैंने खुद एक लिस्ट बना रखी है, सो मैं आपको इसमें से ही बताने वाली हूँ, सो दैट एक भी चीज़ मिस ना हो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो. सिर्फ आपके लिए मैंने मतलब लिस्ट बनाई है, सो आई होप कि आप जल्दी जल्दी से नोट करेंगे. तो आइए गाइस, वीडियो को मैं शुरू करती हूँ. गाइस, ये 2020 है, मतलब 2020 है एंड कोरोना का टाइम है, तो हम ज़्यादा चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, बट स्टिल जो चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्राइड्स के लिए वो मैं बताने वाली हूँ. आइए वीडियो शुरू करती हूँ. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड गाइज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ छोटे छोटे कमेंट्स कर दीजिएगा, सो दैट मुझे पता चल सकेगा कि आपको मेरी बात समझ भी आई है या नहीं. सो हे ब्यूटीफुल ब्राइड्स, कैसे हैं आप सब? ब्राइड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ना कि ओ गॉड, हमारी शादी होने वाली है, क्या क्या चीज़ें हमें कैरी करनी चाहिए, ये भी रख लें, वो भी रख लें, ये भी रख लें. ये ऐसा ही होता है. जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही फील आता है जब हमारी शादी होने वाली होती है, तो हमें ऐसा ही लगता है कि हमें ये भी रखना है, वो भी रखना है. इस चक्कर में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं गर्ल्स, राइट? तो हम लोग कन्फ्यूज़ ना हो, उसके लिए मैंने आपके लिए बेसिक लिस्ट बनाई है. इसमें आप थोड़ा ऐड ऑन करके अपने हिसाब से ले सकते हैं सामान. सो आइए कॉपी पेन ले लीजिए एंड शुरू कर रही हूँ मैं, तो आप नोट करते जाइएगा. आई होप सो. सो गर्ल्स, देखिए इंडियन वेडिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. सबसे पहले क्लोथिंग की ज़रूरत में हमें साड़ियों की ज़रूरत पड़ती है. ऑब्वियसली नई नई शादी होती है, शादियों में साड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आपको साड़ी पहननी पड़ती है, एक दो दिन शुरुआत में साड़ियाँ पहननी पड़ती हैं, साड़ियों के बाद आपको सूट्स वगैरह पहनने पड़ते हैं. अगर कोई फंक्शन है आपका शादी के बाद तो आपको साड़ी वगैरह पहननी पड़ेगी, तो आप मेक श्योर कि कुछ साड़ी रख लें. मतलब आप देख लीजिए, 5 साड़ी तो आप रख ही लीजिए, अच्छी साड़ी लीजिए, लाइक जो भी आपको पसंद हो, पार्टी वेयर साड़ी लीजिएगा, सो दैट आप पार्टीज़ में भी पहन सकें, पार्टी वेयर साड़ी ले लीजिए. सूट्स ले लीजिए, अब सूट्स में भी दो तरह के सूट्स लीजिए, एक सूट लीजिए जो आप घर में पहन सकें डेली यूज़ के, और एक कुछ हैवी सूट्स लीजिए, राइट? लाइक आपको किसी फंक्शन में जाना है, गाउन्स टाइप के जो सूट्स आते हैं ना, गाउन्स आते हैं, आप गाउन्स वगैरह ले लीजिए कुछ, सो दैट आप वहाँ जाएँ. तो आप डिवाइड कर लीजिए कि आपको 4 सूट डेली यूज़ के लेने हैं और 4 सूट गाउन वाले लेने हैं, हैवी सूट्स लेने हैं. आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, बजट के हिसाब से आप जैसे भी ज़रूरत हो वैसे ही रख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं गाइस, आप एक लहंगा ज़रूर ले लीजिएगा अपने साथ, लहंगा ज़रूर रखिए. क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिन्हें साड़ी पहनना नहीं आता है. अगर साड़ी पहनना नहीं आता है और आपसे किसी ने कह दिया है कि इमरजेंसी और अभी मेकअप करके जाना है, तो आप साड़ी पहनने के लिए पार्लर शुरू में जाएंगे, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा. सो प्लीज़ कैरी वन लहंगा रख लीजिए. लहंगे से फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप जल्दी से लहंगा पहन के, ब्लाउज पहन के, चुन्नी डाल के सेटअप कर सकते हैं. आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, आप इसे कर सकते. गर्ल्स, ये ध्यान रखिएगा कि आपकी शादी जो है सर्दियों में हो रही है या गर्मियों में हो रही है. अगर आपकी शादी विंटर्स में हो रही है तो आप कुछ स्वेटर्स ज़रूर रख लीजिएगा, लाइक जैकेट्स, कैप, सॉक्स, ये सब सामान रख लीजिएगा विंटर्स का. क्योंकि ऑब्वियसली आपकी नई नई शादी होगी तो आप अपने लॉज के यहाँ जाके तुरंत नहीं बोल देंगे कि हमें स्वेटर चाहिए, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो आप ज़रूर से कुछ स्वेटर्स रख लीजिएगा अपने साथ. एंड अभी कमिंग जो विंटर सीज़न आ रहा है नवंबर दिसंबर में, बहुत ठंड पड़ती है, तो आप मतलब 2-3 स्वेटर रख लीजिए, 1-2 जैकेट्स रख लीजिए, शॉल ज़रूर रख लीजिएगा, शॉल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप शॉल रख सकते हैं. और सॉक्स वगैरह ज़रूर रखिएगा, कैप वगैरह रख लीजिएगा, लाइक अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं आउटिंग पे, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए एक ब्यूटीफुल सी कैप होनी चाहिए.
सर्दियों की वाली जो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड पहनने की बात करें अगर क्लोथ्स की ही, तो गर्ल्स आप एक ध्यान से अपना नाइट वियर रख लीजिएगा। लाइक आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप नाइट सूट रखना चाहें अपने हिसाब से तो आप वो रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये तो अभी हुआ पहनने का, सिर्फ मैंने बताया पहनने का, लाइक साड़ियाँ सूट लहंगा एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, साड़ी सूट लहंगा स्वेटर शॉल एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी चीज़ें। नाउ मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्लीपर्स आपको कैसे रखनी है, शूज़ कैसे रखने हैं, क्योंकि अब देखिए गर्ल्स आप सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, आप 15-20 जोड़ी सैंडल्स अपने नहीं ले जा सकते हैं, सामान भी एक बैग में ही रखना है आपको, तो एक बैग में इतनी जगह नहीं होती कि आप सारी चीज़ें ले जा सकें। सो आप क्या कर सकते हैं गर्ल्स, आप एक जोड़ी बूट्स खरीद लीजिए, अगर आप बूट लवर हैं तो, अगर आप बूट लवर हैं तो बूट्स ले लीजिए, शूज़ लवर हैं तो शूज़ ले लीजिए, वन शूज़ ले लीजिए जो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, वन शूज़ ले लीजिए। एंड डेली यूज़ के लिए स्लीपर ज़रूर ले लीजिएगा जो आप घर में पहनेंगे, क्योंकि वो आपको ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, घर में जाते से ही आपको नेक्स्ट डे ही स्लीपर की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो आप स्लीपर रखिए उसको। एंड बाथरूम स्लीपर अलग से ले लीजिएगा गर्ल्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड आपको अच्छा नहीं लगता ना किसी और से मांगे, पर्सनल आप लेके जाइएगा बाथरूम स्लीपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ सैंडल्स ज़रूर रख लीजिएगा, लाइक एक तो आप सैंडल पहन के ही जाएंगे, मतलब शादी के बाद लहंगे के साथ जो भी आप सैंडल पहने होंगे वो तो पहने ही होंगे ब्यूटीफुल सी सैंडल, बट आपको उसके साथ एक अलग से सैंडल रख लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट जाने के हिसाब से आपके पास एक सैंडल होनी चाहिए, ऑब्वियसली आप घर वाली स्लीपर तो पहन के जाएंगे नहीं मार्केट, और ना ही आप बूट्स पहन के जाएंगे, तो आपको एक सैंडल्स अलग से रखनी है और एक पार्टी वियर अलग से रखनी है, पार्टी वियर सैंडल अलग रखिएगा और एक अलग रख लीजिएगा जो आप मार्केट पर्पज से खरीदेंगे। ये रहा सैंडल्स का हिसाब एंड बाकी तो आपकी चॉइस है गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा रख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं गर्ल्स, आपको एक अपनी पर्सनल टॉल रखनी है। जी हाँ गर्ल्स, टॉल रख लीजिएगा ध्यान से, टॉल रखना ना भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये चीज़ ऐसी है ना नॉर्मल सी जिसकी हमें जाते ही ज़रूरत पड़ेगी। टाल के साथ गर्ल्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप फेस टॉल अलग से रख लीजिएगा, मतलब आप एक बात टॉल रखिएगा और अपने फेस टॉल अलग से रख लीजिएगा। फेस टॉल रखेंगे तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप अपना फेस हाइजीन मेंटेन कर पाएंगे। एंड उसी के साथ आप रख लीजिएगा कुछ हैंडकरचीफ, मतलब रूमाल रख लीजिएगा, मतलब आप कहीं बाहर जा रहे हैं या आपका खाना खा रहे हैं और फेस पे कुछ लग गया, टिशू नहीं है, सो दैट आपके पास कुछ मतलब हैंडकरचीफ होने चाहिए सो दैट आप उसे यूज़ कर सकें, तो टॉल भी रख लीजिएगा, हैंडकरचीफ भी रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गर्ल्स, मेरे पास ये नोटपैड है, सॉरी मैं इसमें देख रही हूँ ताकि एक भी चीज़ ना मिस हो जाए। तो गर्ल्स आप एक काम कीजिएगा, फेस वाइप्स ज़रूर रखिएगा, फेस वाइप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों ज़रूरत पड़ती है, सो मैं बता देती हूँ, ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे आपका या इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है मेकअप के बाद, मतलब फंक्शंस के बाद मेकअप उतारने का भी मन नहीं करता है, तो आप फेस टिश्यूज़ रख लीजिए, फेस टिश्यूज़ का यूज़ आप कर सकते हैं मेकअप रिमूविंग में, सो अच्छा रहेगा। कुछ आप टिश्यूज़ भी रख लीजिए, टिश्यूज़ रख लीजिए। और गर्ल्स ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सैनिटरी आइटम अपना ज़रूर से रख लीजिएगा और कम से कम 2-3 महीने का रख लीजिएगा। आप जाते ही वहाँ किसी से कह नहीं पाएंगे कि आपको ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ बोलने पे भी नहीं अच्छी लगती है, सो मेक श्योर कि आप सैनिटरी आइटम्स रख लेंगे और 2-3 महीने के हिसाब से रखिएगा सैनिटरी आइटम्स। एंड आगे बढ़ते हैं गाइज, सो हमें क्या रखना है गाइज एंड गर्ल्स, कितनी प्यारी चीज़ है, ओ गॉड, अगर आप रखेंगे अपने क्लोथ्स सैंडल्स, ऑब्वियसली ज्वेलरी भी तो रखेंगे। ज्वेलरी में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ज्वेलरी में अभी नहीं बता रही हूँ प्रॉपर, आपको ज्वेलरी के लिए अलग कलेक्शन बताऊँगी, वहाँ आप देख लीजिएगा। ये ब्राइडल की सीरीज़ है मेरी, ये सीरीज़ नंबर 1 है, आगे नई ब्राइडल की सीरीज़ आएगी, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी ज्वेलरी में आपको क्या क्या रखना है। नाउ मैं आपको बता देती हूँ, आप कुछ बैंगल्स ज़रूर खरीद लीजिएगा, बैंगल्स एक होते हैं कांच के आते हैं, एक होते हैं नॉर्मल जो मतलब जो मतलब कड़े आते हैं ना मार्केट में ब्यूटीफुल से, वो कड़े वो रख लीजिएगा खरीद के। कड़ों के साथ आपको ध्यान रखना है, आप खाली कड़े तो आप पहने नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली बैंगल बॉक्स भी चाहिए होगा आपको, तो बैंगल्स के साथ आप बैंगल बॉक्स भी रख लीजिएगा, सो दैट शादी के बाद नया नया सामान नया नया अच्छे से बना रहे हैं। क्या होता है, हम अपना मेकअप कह रही हूँ मैं, ध्यान नहीं रखते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आप इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक थोड़ा बैंगल बॉक्स ले लीजिएगा, सो दैट आपके बैंगल्स अच्छे से रखे रहें। एंड गर्ल्स
आप सूट पहनने वाले हैं, साड़ी पहनने वाले हैं, लहंगा पहनने वाले हैं, प्लाजो पहनने वाले हैं, ना जाने कितने तरीके के क्लोथ्स पहनने वाले हैं, तो बैंगल्स भी एक तरह का मत लीजिएगा, बैंगल्स भी 5-6 तरीके के ले लीजिएगा। साड़ियों के हिसाब से मैचिंग बैंगल्स ले लीजिएगा, लाइक आपकी जिस भी कलर की साड़ी है उस कलर की बैंगल्स सेट बनवा लीजिएगा, एंड लहंगे का अलग से बनवा लीजिएगा। जी हाँ, लहंगे का तो अलग से ही बनवा लीजिएगा, सो दैट अगर कोई, जैसे शादी के बाद अगर आपके यहाँ रिसेप्शन है गर्ल्स, तो रिसेप्शन में आप वो लहंगा पहने और उसके साथ मैचिंग आपका बैंगल्स सेट रेडी होना चाहिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। गाइज एंड गर्ल्स, आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़े ध्यान रखना है, कुछ पाउचेस ले लीजिएगा, मतलब पाउच जिसमें आप अपना सामान स्टोर कर सकें। फॉर एग्जांपल, आपका पाउच जो छोटे छोटे आते हैं, छोटे छोटे से इतने बड़े बड़े, लाइक आपको बिंदी रखनी है एक जगह सामान इकट्ठा करके, तो आप पाउच में रख सकते हैं। क्लच ले लीजिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं, आपको लेना है मेकअप स्टोरेज बॉक्स। जी हाँ, आप इतना सारा मेकअप लेके जाएंगी गर्ल्स, आप रखेंगे कहाँ, ड्रेसिंग टेबल पे रखेंगे, बट आप एक अच्छा सा मेकअप स्टोरेज बॉक्स ले लीजिएगा, सो दैट आपका इतना ब्यूटीफुल सा मेकअप अच्छे से बना रहे और आप उस मेकअप को यूज़ करके हाय रेडी हो सकें। सो मेकअप स्टोरेज बॉक्स अच्छा सा ले लीजिएगा, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जो भी आपके हिसाब से अफोर्डेबल हो। आप चाहें तो मैं आपको मेकअप स्टोरेज बॉक्स के लिए अलग से वीडियो बना के बता दूंगी आप किस तरह का कौन सा ले सकते हैं, बट आप अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। गर्ल्स, अगर आप ज्वेलरी लवर हैं, मतलब ऑब्वियसली शादी होगी तो ज्वेलरी तो पहननी ही पड़ेगी, तो एक होता है रियल जो ज्वेलरी होती है हमारे पास गोल्ड की, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड मैं बता रही हूँ, आप कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लीजिएगा, क्योंकि आप मार्केट या कहीं जा रहे हैं तो ऑल टाइम आप गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहन सकते। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, मैचिंग होती है और ज़्यादा अफोर्डेबल होती है। ज्वेलरी ले लीजिएगा गर्ल्स, कम से कम 2-3 सेट्स तो ले ही लीजिएगा आर्टिफिशियल में, क्योंकि वो मुझे तो वही अच्छी लगती है, बाकी चॉइस आपकी है आपको कौन सी अच्छी लगती है। ज्वेलरी ले लीजिएगा एंड ज्वेलरी बॉक्स भी ले लीजिएगा, सो दैट आपकी ज्वेलरी भी प्रोटेक्टिव रहे, मतलब ज्वेलरी के साथ ज्वेलरी बॉक्स ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गर्ल्स, आप हैंड बैग ले लीजिएगा, हैंड बैग आपकी चॉइस है गर्ल्स। देखिए, एक बड़ा हैंड बैग ले लीजिएगा जो आप मतलब कैरी कर सकें, जो हैंड बैग होता है बड़ा वाला वो ले लीजिएगा एक, और क्लच ज़रूर ले लीजिएगा। देखिए गर्ल्स, क्लच बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आते हैं, तो आप पार्टी वियर क्लच ले लीजिएगा, क्योंकि आप पार्टीज़ में भी जाएंगे शादी के बाद, तो पार्टी वियर क्लच अलग से लीजिएगा, एंड मार्केट जाने के हिसाब से एक नॉर्मल सा क्लच ले लीजिएगा, 2 क्लच ज़रूर ले लीजिएगा, एक डेली यूज़ के हिसाब से और एक मतलब पार्टीज़ के हिसाब से क्लच ज़रूरी ले लीजिएगा। अगर आपको वॉलेट रखना पसंद है, मिनी वॉलेट अलग से अपार्ट फ्रॉम क्लच, तो आप वॉलेट रख सकते हैं, मतलब पैसे रखने के लिए, क्योंकि अलग से थोड़े पैसे रखे हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए गर्ल्स, अब आपको एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी बात बता देती हूँ मैं, जो कि आपको शायद आपने सोची भी नहीं होगी। शादी से पहले आप कराते हैं वैक्सिंग। जी हाँ, आप शादी से पहले फुल बॉडी वैक्सिंग कराएंगी गर्ल्स, एंड शादी के एक हफ्ते बाद, या मतलब ऑब्वियसली आपकी शादी है उसके 2-3 दिन पहले आप वैक्सिंग करा लेंगी पूरी बॉडी में, और शादी के बाद 7 दिन बाद ही आपके हेयर्स अगेन से आने लगेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एक रेज़र या वैक्स वगैरह लेके जाए, वैक्स मत लेके जाइए, ऑब्वियसली वैक्स तो आप कर ही नहीं पाएंगे अपने ससुराल में, इतना टाइम ही नहीं होगा आपके पास कि नई शादी हुई है और वैक्स कर लें। तो आपकी जब भी शादी हो तो आप एक रेज़र रख लीजिएगा, मतलब इमरजेंसी के लिए रेज़र रख लीजिएगा, सो दैट अगर फंक्शन में जाना है या ज़रूरत है तो आप रेज़र कर सकें या वीट कर सकें, वीट भी बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसी चीज़ रखिएगा जिससे आप जल्दी और ईजिली कर सकें, या तो वीट रख लीजिए या तो रेज़र रख लीजिए, चॉइस आपकी है आप क्या रखें, बट जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि शादी के बाद नई नई ब्राइड के अगर हैंड्स में हेयर आते हैं ना, बहुत बेकार लगता है। तो ध्यान रखिएगा गर्ल्स, ये चीज ऐसी है जो मुझे लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए, सो दैट मैंने आपको बता दी। गर्ल्स, आप एक छोटा मिरर रख लीजिएगा। देखिए क्या होता है, मिरर होता ही है, हमारे ड्रेसिंग टेबल होती है बहुत, मिरर तो सब जगह ही होता है, बट आप अपना पर्सनल छोटा मिरर रख लीजिएगा, उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपको मतलब कहीं ऐसी जगह हैं आप जहाँ मिरर नहीं है, तो आपके पास अपना मिरर है होना चाहिए, मिरर रख लीजिएगा, मिरर के साथ कॉम भी रख लीजिएगा, कॉम तो आप वैसे भी रखेंगे ही, बिना कॉम के मत जाइएगा मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। सो ज्वेलरी बॉक्स हो गया, ज्वेलरी रख लीजिएगा, थोड़ी सी ज्वेलरी बॉक्स रख लीजिएगा।
नाउ अब ज्वेलरी की बात करूँ मैं तो सिर्फ हार से मतलब नहीं है गाइज एंड गर्ल्स, अगर आपको पसंद है इयररिंग पहनना, जैसे मुझे तो इयररिंग पहनना बहुत पसंद है, मतलब मैं गले में भले ही ना पहनूँ बट इयररिंग पहनना मुझे बहुत पसंद है, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सो आप अपने हिसाब से जो भी आपको कान में पहनने के लिए पसंद है, लॉन्ग इयररिंग, शॉर्ट इयररिंग, झुमके, बाली और टॉप्स, जिस तरह के इयररिंग आपको पसंद है तो वो खरीद के पहले से ही एक सेट करके रख लीजिएगा, एक बॉक्स में वो रख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ मतलब इयररिंग्स ले लीजिएगा, पार्टी वियर इयररिंग्स अलग ले लीजिएगा, डेली वियर इयररिंग्स ले लीजिएगा। वैसे ज़्यादातर लोग गोल्ड के पहनते हैं बट स्टिल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास होना चाहिए गर्ल्स, सब कुछ होना चाहिए। अगर आप मतलब स्टॉल और स्कार्फ लवर हैं तो आप स्कार्फ ले लीजिएगा, जो कॉटन के स्कार्फ आते हैं ना गले में डालने के लिए वो ले लीजिएगा, तो अच्छा लगता है, उससे थोड़ा लुक अच्छा हो जाता है, स्टाइलिश लगता है। एंड अगर आपको वॉच पसंद है, जी हाँ वॉच पसंद है गाइज, मुझे वॉच पहनना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं जस्ट शो ऑफ के लिए पहनती हूँ मैं शो ऑफ के लिए वॉच पहनती हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें वॉच पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप वॉच ले लीजिएगा अपने हिसाब से, अच्छी सी वॉच, प्यारी सी जो आपके हाथों में ब्यूटीफुल लगे, सो मज़ा आ जाएगा। वॉच के अलावा आप गॉगल्स ले सकते हैं, वैसे गॉगल्स ससुराल में कोई ज़रूरत नहीं है बट यस अगर आप किसी ट्रिप पे गए, पिकनिक गए, सो गॉगल्स आपके पास होने चाहिए, आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। ऑब्वियसली आप अपने हस्बैंड से तो तुरंत कहेंगे नहीं यही मुझे नए आप गॉगल्स दिला दीजिए, सो गॉगल्स ले लीजिएगा गर्ल्स। एंड हेयर बैंड ले लीजिएगा, मैं हेयर बैंड लवर हूँ, मतलब मुझे तो हेयर बैंड्स लगाना बहुत अच्छा लगता है, अब आपको अच्छा लगता है या नहीं, कुछ हेयर बैंड्स होने चाहिए। क्या होता है आप मेकअप कर रहे होते हैं, आपके मुंह पे बाल आते हैं, तो आप एक दो हेयर बैंड ज़रूर रख लीजिएगा। हेयर बैंड्स के अलावा आपको क्लिप्स रखनी है हेयर कवर करने के लिए, क्लिप्स, जूड़ा पिन, सेफ्टी पिन, और जो शॉर्ट टिक टैक वाली पिन्स आती हैं, रबर बैंड आती हैं, ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है, ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत पड़ती है। तो सेफ्टी पिन्स, जूड़ा पिन, जूड़ा एंड आप हेयर पिन, टिक टैक वाली पिन, और आर्टिफिशियल अगर हेयर्स आपको पसंद है तो आर्टिफिशियल हेयर्स भी ले लीजिएगा, मतलब आर्टिफिशियल एक्सटेंशन वाले जो हेयर्स आते हैं ना, आर्टिफिशियल एक्सटेंशन हेयर, वो ले लीजिएगा। नाउ आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे गर्ल्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इनर वेयर। आप अपने इनर वेयर अच्छे से ले लीजिएगा, मतलब ऑब्वियसली आप शादी करके जाएंगे और वहाँ किसी से बोल नहीं सकते हैं ये चीज़ कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो आप अप्रॉक्स ऐसे ले लीजिएगा, काफ़ी सारे ले लीजिएगा अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, तो ये ध्यान से रख लीजिएगा, भूल मत जाइएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके अलावा आप कैरी कर सकते हैं बाथरोब, जी हाँ बाथरोब आप कैरी कर लीजिए, अगर आपके वॉशरूम जो आपका ससुराल है, अगर वॉशरूम आपके रूम में है तो आप बाथरोब यूज़ कर सकते हैं। बाथरोब से ये रहेगा कि आप वॉशरूम से बाथरोब पहन के आ जाइए एंड अपने रूम में आके अपना मेकअप करके साड़ी और सूट और जो भी आप पहनना चाहते हैं वो पहन सकती हैं, तो बाथरोब रख लीजिएगा। एक टूथपेस्ट रख लीजिएगा गर्ल्स, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, क्या होता है हम नई नई शादी करी जाते हैं, हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, टूथपेस्ट रख लीजिएगा। ऑब्वियसली टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश भी रख लीजिएगा, कहने की कोई बात नहीं है। एंड गर्ल्स वैसे आपका सारा सामान मतलब होता है, बेडिंग और जो मतलब मैट्रेस वगैरह होते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है, बट मेरा ये मानना है आप अपनी एक पर्सनल बेडशीट रख लीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू, बेडशीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब आपको नहीं पसंद आ रही है बेडशीट या आपको चेंज करनी है, तो नई नई शादी है आपकी और आप तुरंत नहीं बोल देंगे कि एक नई बेडशीट लाओ, सो आप अपनी एक बेडशीट लेके जाइएगा, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है अपना रूम डेकोरेट करने के लिए, बेडशीट अच्छी लगती है। एंड बेडशीट के साथ ऑफ कोर्स आप पिलो कवर्स भी रख लीजिएगा, सो दैट आपकी बेडशीट और पिलो कवर्स अच्छे लगे, मैचिंग लगे और ब्यूटीफुल रूम लगे आपका। सो आप अगर चाहें, ये सिर्फ ऑप्शनल है गर्ल्स, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो आप गोजी रख सकते हैं। अब आप सोचेंगे गोजी क्या होता है, मतलब एसी चलता है गर्ल्स रूम में, एसी के टाइम पे आप सॉफ्ट ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं, तो सॉफ्ट ब्लैंकेट ले लीजिएगा। एंड आप चाहें तो एक छोटी सी डायरी और पेन ले जाइएगा अपने साथ, डायरी और पेन इसलिए कि अगर आप कुछ लिखना चाहें या कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत है तो आप डायरी और पेन अपना लेके लिख सकते हैं।
सो हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे माउथ फ्रेशनर बहुत ज़रूरी है कहने की बात ही नहीं है, ये तो आप लेके ही जाएंगी गर्ल्स, बट स्टिल आप माउथ फ्रेशनर या मिंट वगैरह रख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, माउथ फ्रेशनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है शादी के बाद। आई होप यू आर गेटिंग मेरे पॉइंट्स, आप समझ रहे होंगे। तो माउथ फ्रेशनर रख लीजिएगा एंड आगे बढ़ते हैं। कोरोना का टाइम है, ये तो कहने की बात ही नहीं है, आप फेस मास्क तो रखेंगे ही, दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। आप फेस मास्क रख लीजिएगा और एक नहीं चार पांच तरह के डिज़ाइनर वाले रख लीजिएगा, ब्यूटीफुल से मैचिंग वाले, सो दैट येलो साड़ी पे येलो, ब्लू साड़ी पे ब्लू एंड पिंक लहंगे पे पिंक। सो सैनिटाइज़र, कम टू द पॉइंट, सैनिटाइज़र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइज़र्स रखना ना भूलिएगा, सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सैनिटाइजर्स के अलावा आप रखिए कोकोनट ऑयल, आई मीन कोकोनट ऑयल से नहीं है, आप ऑयल रखिए, कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हो, हेयर ऑयल, हेयर ऑयल ज़रूर रख लीजिएगा एंड देख लीजिएगा एंड देखिए एक मेकअप रिमूवर रख लीजिएगा अपने साथ, क्योंकि आप मेकअप तो करते ही हैं लेकिन मेकअप रिमूव करते टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चाहिए होती हैं। मेकअप रिमूवर रख लीजिएगा, कुछ नैपकिन्स रख लीजिएगा, ऑफकोर्स नैपकिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड गर्ल्स आई रिक्वेस्ट यू, कुछ टैबलेट्स रख लीजिएगा अपने साथ, आई मीन कुछ मेडिसिंस रख लीजिएगा, फॉर एग्जांपल हेडेक की टैबलेट रख लीजिएगा, अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो वॉमिटिंग की टैबलेट, स्टमक पेन ज़्यादा होता है तो स्टमक पेन, फीवर की, कोल्ड की, वैसे मिल जाती है, देखिए मेडिसिन सब जगह मिल जाती है, बट देखिए मैं बताती हूँ, मुझे तो एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं थक बहुत जल्दी जाती हूँ, थक जाती हूँ, मेरे चेहरे पर ना 12 बज जाते हैं, सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दवाई खा लूँ, थोड़ा सा हेडेक कम हो जाए तो मैं थोड़ा नॉर्मल लगूँगी। तो ऑब्वियसली शादी हुई होती है आपकी, पूरी रात आप जागते हैं, उसके बाद शादी के बाद भी ससुराल में बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं छोटे छोटे, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, और ज्वेलरी और इतने हैवी मेकअप और क्लोथ्स पहने होते हैं आपने कि आपका हेडेक वगैरह होने लगता है, नॉर्मल सी बात है, तो अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी से मांगें, आई मतलब मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा टैबलेट का पैकेट रख लीजिए, तो उससे आपका ही फ़ायदा है, तो ये आप देख लीजिएगा आप रखें या नहीं रखें, चॉइस आपकी है। नाउ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग रख लीजिएगा ध्यान से, अगर आपने ये मिस कर दी तो इतना सब कुछ रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, यूज़लेस हो जाएगा इतना सब कुछ रखना, तो वो चीज़ है आप मैचिंग पेटीकोट एंड साड़ी के ब्लाउज़ रख लीजिएगा। जी हाँ, जितना आपने ज्वेलरी और साड़ियाँ रखी हैं, अगर पेटीकोट और साड़ी का ब्लाउज ही नहीं होगा तो आप कैसे भी नहीं पहन पाएंगे, तो आप मैचिंग पेटीकोट्स और साड़ी के ब्लाउज रख लीजिएगा। गाइस ये सारी लिस्ट मैंने आपको पार्ट वन में बताई है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरत की लगी होंगी, इंपॉर्टेंट लगी होंगी। पार्ट टू मैं लेके आऊँगी जिसमें मैं मेकअप के बारे में बताऊँगी कि मेकअप में आपको क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए एंड डेली नीड्स का कौन सा सामान बनाना चाहिए। एक्चुअली ब्राइड मेकअप को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अभी मैंने आपको एक लिस्ट बताई है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दो और वीडियोस मिलेंगी जिसमें ब्राइड एसेंशियल के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज देने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको आज जितनी मैंने सामान की लिस्ट बताई है वो आप ज़रूर से लेके जाएंगे एंड आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रॉपर मेकअप के बारे में बताऊंगी कि ब्राइड्स को किस तरह का मेकअप रखना चाहिए एंड किस तरह का डेली नीड्स का सामान रखना चाहिए, क्योंकि डेली नीड्स की भी तो ज़रूरत होती है गाइज एंड गर्ल्स। सो आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा जिनकी शादी होने वाली है, सो दैट उनको पता चल सके उनको क्या क्या सामान कैरी करना है एंड एक ब्यूटीफुल सी स्माइल दे दीजिएगा एंड छोटे छोटे कमेंट कर दीजिएगा नीचे एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई हैव अ ग्रेट डे एंड ब्राइड्स जल्दी से अच्छा अच्छा मेकअप कीजिए और बहुत सारी ब्यूटीफुल सी शॉपिंग कीजिए, आपको बहुत सारी शॉपिंग करनी है। बाय बाय, टेक केयर ब्राइड्स।